मैं श्याम सिंह राजपूत हितर निदेशक अरवर प्राइवेट कई अरवर आज आपको खराब मशीन के चक्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दें, खराब मशीन पर कार्य करते समय चाहे वो टर्निंग हो, चाहे वो फिक्सिंग हो, चाहे ब्रूटिंग हो, चाहे थ्रेडिंग हो, किसी काम को करने के लिए किसी न किसी प्रकार के चक अथवा किसी और सेंटर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें ये चक निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले गोला चक, इसकी बॉडी गोलाकार होती है, यह कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसके केंद्र में स्पैंडल के अनुरूप भीतरी चूड़ियां कटी होती है ताकि इसे आसानी से स्पैंडल पर कसा जा सके। इसके बेस पर चार रेडियल झिल्लियां कटी होती हैं। प्रत्येक झिल्ली में एक स्टील का जाल लगा होता है जिसके पिछले भाग में चूड़ियां कटी होती हैं और प्रत्येक झिल्ली में एक वर्गाकार छिद्र वाला स्क्रू लगा रहता है जिसको चक्की के द्वारा चलाने पर इसके जो आगे और पीछे चलते हैं। इसे इंडिपेंडेंट चक और डॉक्टर भी कहते हैं। इसका साइड इसके भारी आकार से लिया जाता है। इसका प्रयोग गोलाकार अनियमित जॉब, एसेंट्रिक जॉब आदि पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर टू से बात है चिड़िया तक, इसकी बॉडी भी गोलाकार होती है, यह भी खास तरह का बना होता है। इसका भी साइड बाहरी आकार से लिया जाता है। इसके सेंटर में एक चित्र बना होता है जिसके बीच भाग पर चूड़ियां कटी होती है जिसमें एक स्टॉल प्लेट लगी हुई होती है जिसमें स्टॉल चूड़ी कटी हुई होती है तथा इसके बेस पर तीन रेडियल झिल्लियां कटी हुई होती है जिनमें जाल लगे होते हैं। जाल के पिछले भाग में दांते कटे हुए होते हैं। स्टॉल अपने प्लेट के पिछले भाग पर जो दांते होते हैं वो बेवल किए हुए होते हैं जो तीन पिनियनों से सेट किए हुए होते हैं। प्रत्येक पिनियन के ऊपरी भाग पर एक वर्गाकार छिद्र वाला स्क्रू लगा रहता है जिसमें चक्की के चलाने से स्टॉल प्लेट चलती है और स्टॉल प्लेट के चलने से प्रत्येक जाल एक साथ आगे पीछे चलते हैं। इसे सेल्फ सेंट्रिक चक्की कहते हैं। इसका प्रयोग गोलाकार, त्रिभुजाकार और षट्भुजाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर तीन फोर या सेल्फ सेंट्रिक चक्की, यह इस चक्की यंत्रावली की त्रिभुजा चक्की भांति होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें तीन जाके स्थान पर हो जा रहते हैं। इसका प्रयोग अष्टभुजाकार जोड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर चार कॉलेट चक, छोटे छोटे जोड़ों को मास प्रोडक्शन में प्रसिद्धता में बनाने के लिए जिस चक का इस्तेमाल किया जाता है उसे कॉलेट चक कहते हैं। यह टरे, कैपिस्टन, टूरूम आदि में प्रसिद्ध कार्यालय जैसे टाइपराइटर, घड़ियों के पुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। ये चतुर्भुजाकार, गोलाकार और कई आकार के होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए अडैप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर पाँच कॉम्बिनेशन चक, यह चक त्रिज्या चक और भोजा चक दोनों की यंत्रा भी इसमें समावेश की गई है। इसके ऊपरी भाग पर लगे जो क्या होते हैं उन्हें इच्छानुसार, उसके दो भाग होते हैं, उन्हें इच्छानुसार कहीं भी सेट किया जा सकता है। परंतु निचले जो हिस्से होते हैं या निचला भाग जो होता है वो स्टॉल प्लेट के साथ चलता है। इसका प्रयोग अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर छह मैग्नेटिक चक, इस ये चक की बॉडी भी गोलाकार होती है। इस चक के आगे भाग पर मैग्नेटिक पत्तियां लगी होती हैं तथा पिछले भाग पर सक्सेसफुली चुंबक लगा होता है। इसके कार्य करते समय टूल और जॉब दोनों ही मैग्नेटिक हो जाते हैं जिन्हें बाद
दांतें